अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, सबको देखनी जरूरी है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है और सब बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। बच्चों के साथ जो बच्चों को बड़े लेके जाएंगे उनको भी मज़ा आएगा। एक्चुअली बच्चों के लिए हमेशा गाना करते हुए बहुत मज़ा आता है। गुलजार साहब लिखते हैं, मुझे लगता है गुलजार साहब सबसे ग्रोन अप हैं और सबसे छोटे बच्चे गुलजार साहब हैं लिखने में। बच्चों के साथ उनकी लिरिक्स कनेक्ट होते हैं वो उसका जवाब ही नहीं। और मोटू पतलू से तो मेरे बचपन का बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि लोटपोट पढ़ के हम लोग पढ़े हुए हैं। तो डॉक्टर झटका और घसीटा राम, मोटू पतलू, ये सब कैरेक्टर के साथ हम लोग पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छा एसोसिएशन लग रहा है। हम दोनों से बड़ी पुरानी वाकफियत है। मेरी क्लास में भी मोटू थे, मेरे क्लास में दुबलू भी थे, पतले भी, और मेरे मोहल्ले में भी मोटू थे। सिर्फ ये है कि हमने मोटू का मजाक कभी नहीं किया, लेकिन मोटू हमारे साथ बहुत मजाक करता था। हमने कभी उसके साथ मजाक नहीं किया, पर वो मोटू बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े खुश दिल इंसान होते हैं। आप देखिए जितने जितने मोटे लोग मिलेंगे आपको, वो बड़े खुश दिल लोग होते हैं, मजाक बहुत करते हैं, लतीफ़े बहुत सुनाते हैं। तो बल्कि सबको मेरा ख्याल है ज़रा सा खाना पीना अच्छी तरह चाहिए ताकि मोटे हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। इतनी पॉपुलैरिटी पाने के बाद हमें लगा कि हम सबको लगा कि अब ये वक्त आ गया है कि इसको बड़े पर्दे के लिए भी लाया जाए और ख़ास करके 3D स्टूडियोज़ को पिक जो ये फिल्म बनी है ये भी एक लैंडमार्क है इंडियन सिनेमा के अंदर। और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि ये जो फिल्म जो है वो बच्चों को बहुत भाएगी, और बच्चों को ही नहीं उनके माँ बाप को भी भाएगी, उनके दादा को भी भाएगी, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो 3 जनरेशन से लोग जिसको पढ़ते आए हैं कॉमिक बुक की तरह और अब टेलीविज़न पे भी देखते आए हैं। तो वक्त आ गया है कि इसको बड़े पर्दे पर देखें और उसे एंजॉय करें। फॉर्चुनेटली फॉर अस वी हैव गॉट अ यूज़ सर्टिफिकेट एंड वी विल रीच आउट टू द ऑडियंसेस ऑल ओवर।